आप सभी को मेरा नमस्कार। अंग्रेजी नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हालांकि मैं नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाता हूं, मैं 1 जनवरी को न्यू ईयर नहीं मनाता हूं। इसके पीछे कारण है, आप भी जानते होंगे कि अपने जो भारत के लिए या भारतीय क्षेत्र के लिए नौ वर्ष का सबसे उपयुक्त समय वही होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। फिर भी प्रचलन में है, बहुत सारे लोग मनाते हैं 1 जनवरी को नया साल। इसीलिए मेरी तरफ से आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी खुशियां। नया साल जब आता है तो बहुत सारे लोग खुद से कमिटमेंट करते हैं, खुद से वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं अलग अलग टारगेट को प्राप्त करने के लिए। सबके अलग अलग टारगेट होते हैं। स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके लिए है कि कोई नया कंपटीशन का एग्जाम क्रैक करें, नौकरी मिले, जॉब मिले, या फिर कुछ नई तैयारी करें, नया स्किल सीखें। जो बड़े लोग होते हैं, जो वर्किंग हो, मेरे जैसे जो लोग हैं, उनके अलग अलग टारगेट होते हैं कि चलो इस साल बैंक बैलेंस बढ़े, नया मकान हो, नई जमीन हो, या फिर जो और बड़े लोग हैं, अधिक उम्र के लोग हैं जिनके बड़े बड़े बच्चे हैं, उनकी ये ख्वाहिश होती है कि इस साल बच्चे कहीं सेटल हो जाएं, बच्चों की शादी हो जाए। ऐसे ऐसे टारगेट सबके अलग अलग होते हैं। और बहुत सारे लोग तो ये भी खुद से वादा करते हैं कि हम इस साल अपनी कोई बुरी आदत छोड़ेंगे। कुछ लोग चाय काफी छोड़ने की बात करते हैं, कुछ लोग अपना सोचते हैं कि गुटखा पान मसाला या फिर ड्रिंकिंग छोड़ देंगे। अलग अलग टारगेट। अब बहुत से लोग टारगेट पूरा करते हैं, कुछ लोग नहीं पूरा कर पाते क्योंकि जोश में। मैंने भी देखा है, बहुत सारे मेरे मित्र हैं, 1-2 महीने चलता है, कुछ दिन चलता है, फिर सारी बातें भूल जाते हैं, फिर गाड़ी उसी तरह पटरी पर चलने लगती है। लेकिन मेरा आपसे कहना है कि इस बार जब आप अपनी प्राथमिकताएं तय करें, एक नई लिस्ट बनाएं, टू डू या जो टारगेट तय करें उसको पॉइंट वाइज नोट कर लें और नंबर 2 से शुरू करें, 1 से नहीं, नंबर 2, 3, 4, 5। क्योंकि 1 पे यानी पहली प्राथमिकता आपको जो रखनी है नंबर 1 पे, वो आपका हेल्थ होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो आप बाकी टारगेट आसानी से पूरा कर सकते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, आपका हेल्थ सही नहीं है, तो आप बाकी के टारगेट पूरा नहीं कर सकते। और हम बचपन से सुनते आए हैं, हेल्थ इज वेल्थ, पहला सुख निरोगी काय। इसमें मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। और अपने आप को जब आप हेल्दी रखना चाहें तो आपको ये सोचना है कि कैसे फिट रखना है, कैसे हेल्दी रखना है, कैसे अपना वजन नहीं बढ़ने देना है। बहुत से लोगों का वजन धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है उनको पता भी नहीं चलता, और फिर जब उसको मैनेज करने जाते हैं तो बड़ा मुश्किल लगता है। ऐसे ही आजकल देख रहे हैं कि साइलेंट किलर के रूप में जो हार्ट अटैक लोगों को हो रहा है, बहुत से यंग लोगों को हो रहा है। आपने नाम सुना होगा, कई सारे एक्टर बहुत कम उम्र में अटैक से, कार्डियक अरेस्ट से उनकी डेथ हो गई। तो हेल्थ तो प्रायोरिटी होना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्योंकि कोविड में आपने लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा पैसा था, लेकिन लोग अपनी जिंदगी नहीं बचा पाए, अपने परिवार के लोगों को नहीं बचाए, अपने रिश्तेदारों को नहीं बचा पाए पैसा होने के बावजूद। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप अपनी प्राथमिकताएं तय करें नए साल की, तो नंबर 1 पे हेल्थ को रखें और उसके लिए पूरा प्रयास करें, ईमानदारी से प्रयास करें। बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है खुद को हेल्दी रखना। आपको सिर्फ 2-3 चीजें करनी है। खाने पीने पे ध्यान देना है, फास्ट फूड से थोड़ी दूरी बना के रखनी है, पॉजिटिव थिंकिंग और दोस्तों का साथ। और जो सबसे अच्छी बात है कि पॉजिटिव थिंकिंग रखते हुए हम अपने समाज को क्या दे सकते हैं, हम सोसाइटी में क्या दे सकते हैं, क्या कुछ नया कर सकते हैं, किसी काम आ सकते हैं कि नहीं, सबके पास कुछ न कुछ देने के लिए है। अगर हम ऐसा कर पाए तो यकीन मानिए आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप खुश रहेंगे। तो इस नए साल में मैं आप लोगों को खूब सारी खुशियों के लिए खुशियां प्रेषित करता हूं, खूब सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना करता हूं। आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया वर्ष मंगलमय हो।